दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज फिर आपके सामने मैं एक बहुत ही अल्टीमेट वीडियो लेके आया हूं आपके लीवर को बचाने के लिए कि आप अपने लीवर को आप कैसे बचा सकते हैं। अगर आपका लीवर ठीक है तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपका लीवर खराब है तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। सिंपली दो और तीन चीज़ें आपको करनी होती हैं अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर को बचा के रखने के लिए। बहुत ज़रूरी है आपका खान पान, आप बहुत ज़्यादा चिकना भोजन ना करें क्योंकि इससे फैटी लीवर होने का खतरा हो जाता है और अगर फैटी लीवर हो जाता है तो लीवर फेलियर की तरफ जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप चिकना कम से कम इस्तेमाल करें, रेगुलर आप एक्सरसाइज करें सो दैट जो आपका ज़्यादा फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो पचता रहे, डाइजेस्ट होता रहे और वो लीवर पर ना जमे। क्योंकि फैट जमना लीवर पर, आप कोई भी अल्ट्रासाउंड करा के देखिए, ज़रूर आपका ग्रेड वन का फैटी लीवर मिल जाएगा जो बीमारी की शुरुआत है और फिर बहुत सारे बीमारियों के जन्म दे सकती है। तो ये तो हो गया आपका खाने पीने का और रेगुलर एक्सरसाइज करने का नियम। और जो मैं कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट भी हैं, अगर आप लीवर फेलियर के पेशेंट भी हैं और अगर आप एल्कोहलिक भी हैं, तब भी ये दवाइयाँ आपको लीवर फेल होने से बचा लेंगी। आप इस्तेमाल करें, इनको रेगुलर इस्तेमाल करें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये 100% हर्बल प्योर आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन है। जो इनमें सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है अर्क कासनी। कासनी एक घास है, बहुत आयत में मिलती है, छोटी सी हर्ब होती है और इसका अर्क निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। इसका 20 ml सुबह शाम, सुबह एक घंटा नाश्ते से पहले, रात को एक घंटा खाने से पहले लगातार इस्तेमाल करें और इसके साथ आप मिला लें अर्क मको। मको भी खेतों में बहुत उगती है, बचपन में तो हम यूँ तोड़ तोड़ के खाते थे और बहुत ही अच्छी दवाई है लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। तो आप इसका भी 20-20 ml सुबह शाम इस्तेमाल करते रहें और हिमालय का लिफ 52 DS टैबलेट एक एक आप लगातार इसके साथ इस्तेमाल करें। आप 2 महीने कंटिन्यू करें, आप देखें आपका लीवर फंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डीरेंज था वो नॉर्मल हो जाएगा। इवन आप अगर हेपेटाइटिस के भी पेशेंट हैं तो, अगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या किसी भी तरह के हेपेटाइटिस के लोग हैं, पेशेंट हैं, उनको इन दवाइयों को लगातार इस्तेमाल करना चाहिए बिना किसी डर के, तो आपका लीवर प्रोटेक्ट रहेगा और आप लंबे समय तक जी सकते हैं। उसके अलावा एक दवाई और आप ये ऐड कर लें, अगर आपको जॉन्डिस हो गया, तब जॉन्डिस होने पे आपको एक जवारिश आता है जिसको जवारिश तमर हिंदी कहते हैं, तमर कहते हैं इमली को, तो इमली से बना हुआ एक च्यवनप्राश जैसी दवाई होती है, इसका आप 7-7 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। और एक दवाई होती है माजून दबीदुल वर्द, ये भी आप सुबह शाम 7-7 ग्राम इस्तेमाल करें। माजून दबीदुल वर्द को आप बिना जॉन्डिस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लीवर फंक्शन ज़्यादा डीरेंज है तो आप अर्क मको, अर्क कासनी के साथ माजून दबीदुल वर्द और लिफ 52 टैबलेट को भी ऐड कर लें। ये लाजवाब दवाइयाँ हैं, अल्टीमेट दवाइयाँ हैं, प्रूवन दवाइयाँ हैं जो हम सैकड़ों मरीजों पर अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।